सो हेलो गाइज, आज आप लोग से बात करने का मन कर रहा था। गाइज मैं बता दें, मैं बहुत ज्यादा अभी परेशानी में चल रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। और गाइज मैं अभी आया हूँ एक अपने फ्रेंड के घर और यहाँ पे मैं अकेले हूँ। गाइज बहुत मैं डिप्रेशन में था। गाइज समझ सकते यार, जिंदगी मतलब अलग तरीके से मेरा परीक्षा ले रही है। मैं सोचा हूँ कि नहीं, वीडियो बनाने का गाइज मन नहीं कर रहा था, सोचा हूँ कैमरा उठाऊं और आप लोग से बात बताऊं, अपना दर्द बताऊं गाइज। सो अभी का टाइम गाइज मेरा बहुत बुरा चल रहा है। सो लग रहा है ऐसे कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा, मैं अपना सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा। गाइज बहुत समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास बच्चे के अंदर एक ऐसा हो सकता है। और सो मेरा फैमिली आप लोग जानते हैं, मेरे फैमिली के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ। और गाइज आज यूट्यूब को ज्वाइनिंग किए हुए मुझे 5 साल हो गया। 5 साल से मैं सोशल मीडिया पे लगा हूँ गाइज, ये मेरा एक ड्रीम है। और मुझे कहीं ना कहीं गाइज डर लग रहा है यार कि मैं अपनी जो सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं पूरा कर पाऊंगा। गाइज अभी के टाइम में आप लोग देख रहे हैं एकदम चैनल भी पूरा फ्रीज हो चुका है, चैनल पूरा डाउन हो चुका है गाइज, एकदम मन ही नहीं लग रहा गाइज। ऊपर से गाइज फोन खराब हो गया है, मैं सोच रहा हूँ यार कि फोन लूँ। और समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के पास फैमिली बैकग्राउंड तो जानते हैं गाइज, जो भी अपना कुछ करना सो अपने ही करना है, सो अपने ही सब कुछ करना है गाइज। क्या करें, हालात भी इतना खराब है गाइज, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फोन भी खराब है, आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलर मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा, ऊपर से पूरा घर का जिम्मेदारी अकेले, आप लोग समझ ही रहे गाइज। और मैं आप लोग को बताऊं, मैं बहुत ज्यादा दिन से परेशान था। आप लोग सोचते हैं कि बार बार ये रोता है गाइज, मतलब कैमरे पर ऐसे कोई रोना नहीं चाहता गाइज, कभी कोई रोना नहीं चाहता। और गाइज जिसके दिल पे बीतता वही समझ सकता है, एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि अगर उसके सपने टूटे, अगर उसका चैनल फ्रीज हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोचा हूँ वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है गाइस वीडियो बनाना सब छोड़ दूं और घर छोड़ के चला जाऊं। गाइस क्या कीजिएगा, ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आप लोग को बता दे सकता गाइस, 3 महीने से मेरा अभी तक पेमेंट भी नहीं आ रहा, मैं कैसे जी रहा हूं और अपने आप को कैसे चल रहा हूं गाइस मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूं। शायद आप लोग समझते होंगे, जिसके अंदर दर्द रहता है गाइस वही समझता है, मतलब जो बोलते हैं ना गाइज एकदम अंदर से एकदम टूट जाना, एकदम उस तरीके का अभी महसूस हो रहा। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। आप लोग समझ सकते हैं इतना मेहनत करने के बाद भी अगर गाइज कुछ ना हो तो कैसा महसूस होगा, मतलब सो यार मतलब जिस पे भरोसा रहता वो लोग से भरोसा टूट जाए। मैं अगर किसी के लिए लाख अच्छा हो अच्छा ही कर दू ना, तभी मैं उसके नजर में गाइस हमेशा बुरा ही रहता हूँ यार, ऐसे हमेशा चल रहा मेरे साथ। बहुत सारे बातें हैं, समझ ही सकते हैं गाइस यार, सपना यार गाइस शुरू से मैं जब छोटा था तभी से एक सपना देखा था कि नहीं यार सोशल मीडिया पे मुझे रहना है यार, मतलब आप लोग समझ ही रहे यार, गांव से हैं तो जो चीजें वही दिखा ना। ऊपर से घर में गाइस प्रॉब्लम भी आ गया था, घर में सब चीजों को देखना होता है, बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, इधर ही मैं रह रहा हूँ। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को अदर अदर जगह जाकर ब्लॉगिंग करें, तो गाइस होता है क्या कि उसके लिए भी हर जगह आजकल पैसे की बात होती है गाइस। अगर आपके पास पैसे है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। अगर घर छोड़ के आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप लोग सोचते हो कि एक घर का चीजें दिखा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा, तो गाइस मैं भी सोच रहा हूँ कि इम्प्रूव करूँ, बट कुछ मजबूरियां है, कुछ परेशानी है जिसके कारण गाइस मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हूँ। बाकी यार हमें उम्मीद है, ऐसे मैं हार कभी नहीं मानूंगा यार, सच कर रहा हूँ गाइस, आप लोग से वादा कर रहा, हार तो मैं कभी मान नहीं सकता हूँ। मैं परेशानी झेल रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो बनाना छोड़ नहीं सकता हूँ गाइस कभी भी, भले मैं मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो क्या, मैं काम करूंगा गाइस, ये मेरा सपना है यार। और ये मस्त इस तरह सपना टूट रहा है ना गाइस तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम जो गाइस झेलते आ रहा हूँ यार, कोई भी जवान लड़का कैमरे पे आकर गाइस कभी भी रोना नहीं चाहता। गाइस मैं सोच रहा हूँ तो यार आप लोग को बताऊँ, आप लोग यूट्यूब फैमिली हो मेरा कुछ ना कुछ, आप लोग फैमिली हो यार, मैं आप लोग तो कुछ भी करने में कभी भी शर्माता नहीं हूँ, जो मेरे अंदर है मैं आप लोग को शेयर करता हूँ यार, आप लोग मेरे मम्मी पापा हो। और गाइस अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
सबसे गाइस बुरा बात यह लगता है ना यार कि अभी बुरा टाइम है यार यार, तो कोई साथ नहीं खड़ा यार, मतलब सब लोग बोल रहे हैं, ऊपर से आप लोग समझ रहे हैं घर वाले से भी डांट बोली सुनना होता है कि तुम घर क्या रहे हो, इतने दिन से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो, तुम क्या किए हो यार, तो समझ ही रहे यार, मैं क्या बताऊं आप लोग को। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप भाई को प्यार दुलार दोगे, सपोर्ट करोगे। मैं यार कहते हैं ना यार कि जब एक गरीब घर का लड़का कुछ देख लेता है बनने के लिए ना, तो उसके साथ परेशानी हमेशा आती है यार। जब तक परेशानी, जब तक अपने आप को स्टंट नहीं हो जाते हो तब तक परेशानी होता है, और मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। मतलब देखिए मुझे कब तक कितना टाइम लगता है स्टंट होने में यार, गाइस बहुत परेशान थे यार, तो मैं सोचा हूँ ना यार आप लोग को बताऊ। बाकी आप लोग का प्यार दुलार मतलब रहेगा गाइस, तो काम करेंगे। आप लोग मुझे मत छोड़िएगा यार गाइस, बहुत हमारे यूट्यूबर भी गाइस लोग मेरे फ्रेंड है, मैं बहुत लोगों के साथ मैं झुकी हूँ, आप लोग मेरे पिछला ब्लॉग जाकर देखिए सब पता चलेगा आप लोग को। लेकिन गाइस ऐसा टाइम होता है ना कि आप किसी के लिए कितना भी कर दो ना, लेकिन आप बुरा बन ही जाओगे यार, बुरा वक्त आएगा ना तो गाइस कोई भी नहीं सपोर्ट करने वाला है यार, खुद मेहनत करना होगा। बोलते है ना कि खुद की खुद घसनी पड़ती है गाइस, तो अभी वही दिन है। बाकी आप लोग जो भी मुझसे गलती होगा आप लोग बताइएगा, और गाइस आप लोग सोचते हैं कि कहाँ जाऊँ, आप लोग सोचते हैं कुछ अलग दिखाऊं, तो गाइस मैं भी सोचता हूँ बट वो नहीं पता है। लेकिन गाइस मैं सब कुछ करूंगा यार, मैं आप लोग से बता रहा हूँ मैं सब चीज करूंगा, हर एक तरह का ब्लॉग बनाएंगे, कुछ टाइम लगेगा गाइस। बहुत बुरा लग रहा, मतलब टूट गया हूँ यार, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा अभी। ऊपर से गाइस जो लोग है यार सब ताना मार रहे हैं, तुम हमारा भी नहीं जा रहा, तुम खत्म हो गए, तुम कभी यूट्यूबर बन ही नहीं सकते हो, तुम जैसा गरीब इंसान कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। क्या हुआ गाइस, मैं गरीब हूँ भले, लेकिन मैं मेहनत करूंगा यार, देखिए मेहनत से कभी नहीं भागूंगा, मुझे पता है कि एक ना एक दिन जरूर मैं कामयाब होऊंगा। आप लोग का अगर सपोर्ट प्यार दुला रहेगा तो गाइस एक गाँव का लड़का भी कामयाब होगा यार, अभी मतलब समझ ही सकते हैं गाइस कितना परेशानी होता है। बाकी मैं कुछ समझ में नहीं यार, और आप लोग भाई को यार थोड़ा प्यार दुलार दीजिए गाइस, कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार, परिवार हो आप लोग, अपने दिल की बात फीलिंग कर दिया, फीलिंग शेयर कर दिया। बाकी मेरा लास्ट मैसेज है, तो गाइस ये मेरा लास्ट मैसेज है, और आप लोग मुझे यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार।